हेलो गाइस, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं अमूल बटर बना रही हूँ, वो भी 2 मिनट में, बिल्कुल बाजार के जैसा। आप एक बार ये बटर घर पर बनाओगे तो आप बाजार से लाना ही भूल जाओगे। तो मैं उसके लिए ले रही हूँ 1/2 बाउल देसी घी और 7-8 क्यूब्स आइस के। तो ये आइस क्यूब्स डालते ही हम इसको स्पून से मिक्स करते रहेंगे। इसको तब तक मिक्स करेंगे गाइस जब तक ये थोड़ा सा हार्ड ना हो जाए। जब ये हल्का सा हार्ड होने लग जाए तो इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और चुटकी भर हल्दी का पाउडर। ये थोड़ा सा नमक डाला है और चुटकी भर हल्दी का पाउडर। अब ये डालते इसको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह हार्ड ना हो जाए। तब तक आप इसे चलाते रहिए। सिर्फ 2 या 3 मिनट में हमारा बटर बनके रेडी हो जाएगा। तो देखो ये हमारा हार्ड हो गया बटर, आपको इससे ही पता चल गया होगा कि हमारा बटर रेडी हो गया है। अभी हम आइस क्यूब सारे बाहर निकाल देंगे। इसको मैं एक, मेरे पास एक ये बटर बेस है तो मैं बटर केस है, इसमें मैं इस बटर को सेट कर रही हूँ। आपके पास कोई प्लास्टिक का बाउल है या कोई प्लेट, उसके ऊपर बटर पेपर या फॉइल पेपर रख के उसके ऊपर आप ये बटर फैला देना। अच्छे से इसको प्रॉपरली फैला दो। देखो गाइस, आपको कलर से ही लग रहा होगा बिल्कुल अमूल के बटर जैसा। तो मैंने ये सेट कर दिया है, इसको मैं अब आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट करूंगी। आधे घंटे में ही गाइस ये अमूल बटर बनकर आपका रेडी हो जाएगा। तो मैं इसको आधे घंटे में फ्रिज रखती हूँ, फिर आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। गाइस, आधा घंटा हो गया है तो देखो हमारा अमूल बटर रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल बाजार की जैसा अमूल बटर, इसका कलर, टेक्सचर, खाने में भी बिल्कुल बाजार की जैसा है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर के आती रहूँगी। तो मैं ये सारे पीस कट कर देती हूँ। एक बार ट्राई ज़रूर करना, फिर मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना आपका बटर कैसे बना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। जय श्री राम।